नमस्कार साथियों, बात करेंगे यूपी लेखपाल भर्ती 2023 के बारे में। तो आपको मैंने कल पहले ही बता दिया कि नोटिस जो है वो जारी होने वाला है, या तो कल जारी हो जाएगा तो आज की डेट में बता दें कि जारी हो जाएगा। फाइनली साथ यूपी लेखपाल की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये नोटिस है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए। तो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन है वो किस डेट से हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाने जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक किए जाएंगे। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको बोलता हूँ कि वीडियो को पूरी देखना, ध्यानपूर्वक वीडियो को सही तरीके देख लेना, जिससे आपको जो डॉक्यूमेंट बताऊँ और जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएँ तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको यूपी लेखपाल से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो ये है नोटिस जारी की गई। इस नोटिस का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप लोग देख लेना। ठीक है, तो कुल जो पोस्टें थी 8035 पदों पे वैकेंसी निकाली गई थी यूपी लेखपाल में। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि उक्त लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर राजस्व के पदों पर चयन हेतु अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए चिन्हित, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 27,455 कैंडिडेट को चिन्हित किया गया। ठीक है, मतलब कि 27,455 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होने वाला है। और उसके बाद अभ्यर्थी के परिणाम दिनांक 2/5/2023 को घोषित किया गया था, मतलब कि 2/5/2023 को घोषित किया गया था। और यहाँ पे ये चीज़ दी गई है कि जो आपका DB यहाँ पे अर्हता अभिलेख, मतलब कि DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपके 19/9/2023 को होने वाले, ये डेट आप लोग याद कर लेना, 19/9/2023 को होने वाले हैं। अगले महीने मतलब कि अगस्त के बाद जो महीना आएगा उसी महीने में 19 तारीख से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाएंगे। तो आपके पास ईमेल आ जाएगा आपका किस तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, किस तारीख को है, वो चीज़ आपको पता हो जाएंगी। तो इसका मामला एक कोर्ट में भी है, जो एक क्वेश्चन की वजह से उसकी जो डायरी संख्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो अब हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लगेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसका एक प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास जो मतलब कि मेडिकल का और डॉक्यूमेंट मतलब कि प्रिंट आउट था वो था क्या बोलते हैं आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास परीक्षा प्रवेश पत्र होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड, परीक्षा प्रवेश पत्र और इंटर हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट है वो होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप जाति प्रमाण पत्र, अगर आप OBC SC ST से हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। हालांकि मैं नोटिस में देखा नहीं हूँ कि जाति प्रमाण पत्र किस डेट से किस डेट तक मान्य होगा, तो उसको देख के मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा कि किस डेट से किस डेट तक का आपको बनवाना है। तो वो चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, या तो वीडियो बना के ही बता दूंगा मैं। तो आपके पास इंटर हाई स्कूल, आधार कार्ड और आपका जो प्रवेश पत्र है वो होना चाहिए, और ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे। और आपका जो सही डाटा है, आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, आपको पता है, वो सभी चीज़ें सही होनी चाहिए। अदरवाइज तो गलत होंगी तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपके पास ये फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, आप 6-7-8 फ़ोटो लेके चले जाना, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी साथों कल की डेट में, और मैं आपको कल बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और कैसे चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।